गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक, जिसमें आपका ट्वेल्थ के बारे में, क्योंकि पढ़ा नहीं पा रहे हैं, चाह रहे हैं हर चैप्टर्स का आपको क्वेश्चन और आंसर का सॉल्यूशन दे दें, एक एक चीज़ समझा करके। यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सारा चीज़ हम अपलोड करते जाएंगे, क्वेश्चन और आंसर, और उसको समझाते जाएंगे। यहाँ पे चैप्टर वन जो है आपका, चैप्टर वन चैप्टर वन है आपका जीवों में जनन, जो कि चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। जीवों में जनन, इसमें टोटल आपके 18 क्वेश्चन दिए गए हैं। 18 क्वेश्चन आपका है चैप्टर वन में, जो कि उन सारे चैप्टर को 5 करके 7 करके इस प्रकार से जो है हम सारे आपको क्वेश्चन को एक एक करके बताते जाएंगे। इसमें आपका एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जनन है क्या, जनन कहते किसे हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो समझेंगे कि क्यों अनिवार्य है। तो जनन हम उसे कहते, उस प्रक्रिया को कहते हैं, वो ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव से किसी नए जीव का निर्माण होता है, यानी कि उसकी संतति की ग्रोथ होता है। जैसे अगर हम ये देखा जाए कि हम लोग को एक आयु निर्धारित है, उस आयु के अंतर्गत जो है हम लोग मानते हैं कि कोई जीव की आयु उस समय के लिए है, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए है, कुछ सालों के लिए है, ठीक है। कोई कोई वृक्ष भी ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा जीता है, जैसे 11,300 वर्ष जो है जीने वाले भी वृक्ष होते हैं। तो आखिर मानते हैं कि एक किसी जीव को, क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु होना ही होना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आखिर क्यों उसकी ग्रोथ होती क्यों है। तो वह ग्रोथ करने का जो मेन चीज है वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन। क्योंकि जनन के फलस्वरूप ही आज इस पृथ्वी पर किसी जीवों की कायम है। यानी कि अगर हम लोग की बात करते हैं तो सबसे पहले मान के चलते थे 100-120 वर्ष जीते थे लोग, फिर धीरे धीरे 100 पे एवरेज माना गया, 80 आ गया, अब तो हम लोग को सिटीजनशिप के रूप में जो है ओल्ड के रूप में 60 ईयर का रखा गया, यानी कि 60 वर्षों में। यानी कि अगर जीवन आयु की औसत की बात करें तो हम लोग को औसत मान के चलते हैं 60 से 100 वर्ष। तो क्या आपके 100 वर्ष बाद वो जीव खत्म हो जाते हैं, क्या मनुष्य की प्रजाति खत्म हो जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या होता है, आपका जनन होता है, ठीक है। अब यही आपको कहा था कि, तो आप समझ गए होंगे कि जनन क्यों जरूरी है। तो किसी जीव को निरंतर बनाए रखने के लिए, यानी कि किसी प्रजाति को निरंतर बनाने के लिए लोग जनन करते हैं। यानी कि हम मनुष्य किसके ऊपर टिके हुए हैं, क्यों हम लोग का बढ़ता जा रहा है ग्रोथ? आज हम लोग के पूर्वज से हैं, जैसे मानते हैं कि हम लोग के पहले दादा परदादा थे, फिर बाबा हुए, बाबा से जिसको हम लोग को पिताजी बोले, पिताजी से हम लोग हैं, फिर हम लोग से आने वाले फिर संतान भी तो होते हैं। तो ये सारे पीढ़ी आखिर आ कैसे रही है? तो उस पीढ़ी में हम लोग किसके द्वारा आ रही है? तो जनन के द्वारा आ रहा है। यानी कि जनन वैसा एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए नए जीवों का उत्पत्ति होती है, नए नए जीवों का जन्म होता है, ठीक है। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं हम लोग यहाँ देख लेते हैं, और इसके आंसर्स भी हम यहाँ पर दे चुके हैं। कहता है कि जनन, तो जनन वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति को निरंतर बनाए रखने के लिए, ठीक है, जनन करते हैं। क्यों? ताकि उस जीव का प्रजाति हमेशा के लिए बना रहे। क्योंकि कोई भी लोग नहीं चाहता कि हमारी वंशज का खात्मा हो। हर लोग अपने घर के एक संतान को चाहते हैं ताकि इसकी उत्तरदायिता हम किसी को सौंप सकें। और हर व्यक्ति को जो जीवन है वो एक दिन मृत्यु भी है, तो उस मृत्यु से पहले वो सोचते हैं कि हमारे प्रजाति का कभी खात्मा ना हो, इसीलिए लोग अपना जन्म की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब देखते हैं कि जनन
जीव कितने प्रकार से जनन करते हैं? तो जीव दो प्रकार से जनन करते हैं, इनके टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होते हैं अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। ये सारे चीज जो बुक वगैरह पढ़े होंगे या जो भी लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन क्या है। नहीं पता होगा तो फिर भी हम इसको आगे चल के बताएंगे, क्योंकि अभी बुक के लिए अभी इतना समय नहीं है एक लॉकडाउन में, तो किसी तरह से क्वेश्चंस वाइज हम करा देते हैं। बाकी जब पढ़ाई स्टार्ट होगा तो सारे चीज चैप्टर वाइज चलेगा। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, और एक बार ना समझ में आए दो बार तीन बार चार बार आप लिखिएगा, देखिएगा, लिख लिख करके आपको याद हो जाएगा, क्योंकि याद करने से ज़्यादा समझने की चीज़ होती है। तो पहला आपका अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी क्या होते हैं तो एक लाइन में भी बता देते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही जीव अपने आप से किसी भी विधि के द्वारा जो है कि नए संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। अब अलैंगिक प्रजनन कितने तरीकों के होते हैं, इसके लिए एक स्पेशल रिप्रोडक्शन का चैप्टर डाला हुआ है, जिसमें हमने बताया कि कितने प्रकार से जनन है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, फुल डिस्क्रिप्शन आपका किया हुआ है। इसके साथ है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो अलग अलग विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलते हैं कि एक नर हो तो दूसरा मादा हो, ठीक है। इसके साथ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का निर्माण होता है, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें कोई भी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई भी युग्मक आपका नहीं बनता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या जो भी प्रॉब्लम लगे वो हमें बता सकते हैं। तो ये शॉर्ट वे में फिलहाल ये जान लीजिएगा कि जनन इसीलिए अनिवार्य है, और जनन का अगर डिफिनेशन दे तो इस प्रकार दे सकते हैं कि जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, ठीक है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन सा? अलैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में दो प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के जीव भाग लेते, एक नर अथवा दूसरा मादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। कहता है कि अभी हमने पढ़ा कि जनन दो प्रकार के तो होते हैं, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक, लेकिन अब इन दोनों में कौन सी विधि अच्छी होती है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ कि प्रायः लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। देखिए लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि क्यों माना गया है? क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान जीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की अदला बदली होती है। यानी कि हमने बताया था कि लैंगिक प्रजनन में गैमिट का निर्माण होता है, यानी युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक किसके बने होते हैं? वो गुणसूत्र के बने होते हैं। और अगर देखा जाए कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं तो डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। अगर डीएनए किसके बने होते हैं तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी एसिड के बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम डिटेल्स में चलते चले जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट उठाएंगे तो काफ़ी हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर हम क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं। तो क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी अलग प्रकार के लक्षण विकसित नहीं होगा, जो जनक का होगा वही आपके उसके नए चाइल्ड का होगा, नए ऑर्गेनिज्म उससे जो भी उत्पन्न हुए हैं उसी में होगा, जो भी उत्पन्न हुए हैं उसी में आपका होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, मान के चलते हैं कि एक नर है एक मादा है। तो नर में अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेल में आपका एक्स एंड वाई, और फेमेल में जो होते हैं आपका गुणसूत्र एक्स एक्स के रूप में विद्यमान होते हैं। ये इस प्रकार के जो है आपके गुणसूत्र होते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे डीएनए जो है इस प्रकार से लगे होते हैं, सारे चीजें इस प्रकार से बने। चले ये आगे हम लोग समझेंगे, फिलहाल इसकी बात हम करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे जुग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीवों का विकास होता है जो अपने जन को यानी कि जनक का मतलब होता है माता पिता जो उसके पेरेंट्स होते हैं अर्थात अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। जबकि अलैंगिक प्रजनन में जबकि अलैंगिक प्रजनन जो जीव करते हैं इसमें इस तरह का नहीं होता है। यानी कि अगर मानते हैं कि देखते हैं ना कि हर बच्चे माता पिता के थोड़ा बहुत वो मिलते हैं, कुछ कुछ लोग थोड़ा बहुत भिन्न भी हो जाते हैं, लेकिन ये सारे कुछ कुछ मिलने का कारण क्या होता है, ये जुग्मक। और ये भिन्न होने का क्या कारण है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने माता के समान नहीं होते हैं, कुछ न कुछ भिन्न होना ही होना है। अब ये भिन्न क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि गुणसूत्र, तो अगर मेल में देखा जाए तो एक्स एक्स और हम लोग को ये देखा जाए कि फीमेल में एक्स और वाई, आपका मेल में एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल्स में आपका एक्स एंड एक्स होते हैं। जब यहाँ पे गुणसूत्र आपका एक्स और एक्स मिलता है तो इससे आपका लड़की होती है यानी कि गर्ल होती है। और अगर मानते हैं कि एक्स और वाई का मिलन होता है इससे आपका लड़का यानी कि बॉय होता है। तो इस प्रकार से जुग्मन होते हैं और इन्हीं दोनों के लक्षणों के आधार पर एक न्यू बेबी का निर्माण होता है यानी कि नए बच्चे का निर्माण होता है। इन्हीं दोनों के मिलन से नया बच्चे का निर्माण होता है। तो ये सारे जब तक की डिटेल्स में बुक नहीं पढ़ पाएंगे खास तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करें कि इसके समझाने से कुछ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ मेल और फीमेल अलग अलग जुग्मक के कारण जो है इनमें इस तरह के गुणों में क्षमता अधिक होती है, अलग अलग के प्रकार के वेरिएशन देखने को भी हम लोग को मिलता है। क्योंकि प्रत्येक जीव को देखेंगे तो एक समान नहीं होता है। क्यों एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हीं जुग्मकों के कारण। और लगभग जो हम लोग का 99.9% जो समान लक्षण जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, डीएनए को, इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में जीने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। क्यों, क्योंकि ये अलैंगिक जनन के अनुसार जो है ये जीव अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्षमतावान होते हैं, इन लोगों में समझने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जटिलता होती है इत्यादि के कारण इन लोग को अच्छे जीने का अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये जीव अनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण अधिक क्षमतावान भी होते हैं, अनुवांशिक विभिन्नताओं के इन सारे की चीजों के कारण जो है एक कुछ ना कुछ कैरेक्टर अलग हो जाते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जुग्मक का निर्माण नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट सेल है। जैसे मानते हैं कि अगर हम अमीबा की बात करें तो देखिए मानते हैं इस प्रकार से अमीबा है, तो ये एक अमीबा है, मानते हैं पेरेंट्स है, तो इसी में किसी फिजन के द्वारा बाइनरी फिजन द्विखंडन विधि के द्वारा जो है ये टूट जाता है और टूट करके इससे दो नए डाउटर सेल का निर्माण हो जाता है, किसी अन्य जीवों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसीलिए जो है कि कहा गया है कि अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न होते हैं जीव इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, लेकिन अलैंगिक जनन से नहीं, तो लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव को ही श्रेष्ठ माना गया। यही कारण है कि जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं वो अलैंगिक के उपरांत जो श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि हर चीज में उनसे इनमें अधिक क्षमता पाया जाता है। चल नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। अब यहां लिखा गया कि क्लोन क्यों कहा गया है, तो क्लोन का मतलब क्या होता है, तो क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट, यानी कि यहां पे डुप्लीकेट की बात कर रहा है। लाइन कटने के कारण थोड़ा मिसिंग था। यहां पर देखिए एक क्लोन, ठीक है, क्लोन क्यों कहा गया, क्लोन हम किसे कहते हैं, तो क्लोन का मतलब होता है हूबहू डुप्लीकेट। जैसे मानते हैं कि यहां पर एक मार्कर है, ये भी एक मार्कर है, अंतर क्या है इस मार्कर में, ए ब्लू का है ए ब्लैक है आपका, बस यही आपका अंतर है। लेकिन अगर इसी तरह का हम ब्लू ला दें तो बिल्कुल हूबहू समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से या फिर हम फोटोकॉपी करवाते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल एक समान होता है। तो यानी कि जो डुप्लीकेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते वो किस प्रकार के जनन में होते हैं, तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो अलैंगिक जनन में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए कहा गया कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव को क्लोन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने जनकों से अनुवांशिकी आकार की कहिए, रंग रूप में कहिए, कांच में कहिए, रहन सहन में कहिए, हर तरह से कहा जाए तो ये अपने जनक के बिल्कुल हूबहू क्या होते हैं, समान होते हैं, हर चीज में समान होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। कभी कभी इसका नाम आता है रेमेट यानी कि एक पुंजक भी कहा जाता है, कभी कभी रेमेट यानी कि एक पुंजक भी हम लोग इसको कह देते हैं। तो यही कारण है आपका कि अपने माता पिता के हूबहू समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो चुका है, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्यों, क्या यह कथन हर समय सत्य साबित होता है। फिर से पढ़ते हैं, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्यों, यह क्या हर क्या हर समय सत्य होता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में श्रेष्ठ कौन है, लैंगिक जनन जो कि हमने अभी भी बताया है। अब इसमें अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं लेकिन इसका कथन को सत्य करना है कि यह क्या हर समय सही होता है नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, कहता है कि लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों के मिलने से अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। देखिए हमने बताया कि यहाँ पर जो युग्मक का मिलन होता है, इन युग्मकों के मिलने से क्या होता है कि दो जो प्राणी आपस में मिलते हैं, जो उनका युग्मक जब मिलता है तो उनसे एक नए शिशु का निर्माण होता है यानी कि एक न्यू बेबी का निर्माण होता है और उनमें जो है कि पेरेंट्स थोड़ा बहुत भिन्नताएं पाई जाती है जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती है। यानी कि देखिए ये दो जनक हैं, एक मेल और दूसरा क्या है फीमेल, ये दो जनक हैं, इन दोनों जनक के जो युग्मक हैं मेल में क्या पाया जाता है एक्स एंड वाई, फीमेल में क्या होता है एक्स एंड एक्स होता है। कभी कभी थोड़ी बहुत चेंजेज होती है, जब लोग हम लोग अनुवांशिकता पढ़ेंगे तो कुछ मक्खी वगैरह में जो चेंजेज हो जाते हैं लेकिन ज्यादातर आपको ह्यूमन से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर युग्मक स्थानांतरित होते हैं यानी कि मानते हैं एक मेल्स का एक फीमेल्स का है, ए मेल युग्मक जो है आपके फीमेल के पास पहुंचता है, मानते हैं ए आपका स्पर्म है, ए आपका ओवा है, ए दोनों के मिलने से आपका किसका निर्माण होता है तो जायगोट का निर्माण होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। और ए जो होते हैं युग्मक, ये युग्मक अगुणित होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये युग्मक आपका जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं यानी कि अगुणित होते हैं, इनकी संख्या एन में होती है, जबकि यहाँ पे जो एन और एन मिलकर के क्या बना लेते हैं टू एन बना लेते हैं, यानी कि जायगोट जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं टू एन होते हैं, जबकि जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। देखिए इनमें क्या होता है कि युग्मक स्थान, तो युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। आप देखिए कि यहाँ पर एक नई बात आई है, निषेचन ये भी पूछा जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं यानी संलयन करते हैं तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं या युग्मक संलयन कहते हैं। तो और इनके द्वारा जो है नए शिश का जन्म होता है क्योंकि देखिए यही जायगोट आगे चल के डेवलप करेगा और नए शिश का निर्माण में होगा, इन नए शिश में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर भी प्राप्त होते हैं, ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो इसको देख लेते हैं कथन के बारे में, ये पूछ रहा था कि क्या क्यों यह कथन क्या हर समय सत्य साबित होता है सही होता है। तो देखिए कहा जाता है नहीं, ठीक है हम सीधे जानते हैं नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि लेकिन यह कथन सदैव सत्य नहीं होता है क्योंकि यदि कोई माता पिता किसी अनुवांशिक रोग से ग्रस्त हैं, यदि किसी रोग से ग्रस्त हैं तो उनके आने वाले शिशु में उनके आने वाले बच्चों में भी वह रोग आ जाता है स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि अगर माता पिता को रोग है तो आने वाले बच्चों में भी रोग हो जाते हैं, इसीलिए हर समय
सत्य साबित नहीं होता कि जो लैंगिक जनन में हर समय जो शिशु का जन्म होता है वो सही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन के जो जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं सत्य बात है, लेकिन ये हर समय सही होता है ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था आपका। इस प्रकार से आप इसको समझ करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि देखिए पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लगभग लैंगिक और अलैंगिक ही सारे चीज पे चलते रहते हैं, बेचते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए हमने बताया था कि लैंगिक जनन में कितनी जीव भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं, ओनली वन, एक ही जीव भाग लेते हैं, ठीक है। यही इनके माता यही पिता होते हैं। एक आउटर सेल में कोई जरूरी नहीं है मेल और फीमेल कैरेक्टर को देखा जाता है, एक कैरेक्टर मेल हो या फीमेल हो ओनली वन ही होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउटर सेल बोलते हैं। डाउटर सेल यानी कि पुत्री कोशिकाएं। तो देखिए कहता है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के हूबहू समान अर्थात क्लोन होते हैं, जबकि इसके विपरीत लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतान अपने जनकों से भिन्न होते हैं। ये सारे चीज हम पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, क्योंकि ये भिन्न होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि लैंगिक जनन में दो अलग प्रकार के युग्मक का मिलन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है इत्यादि। यही सब कारण है कि ये दोनों में भिन्नताएं होती है अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में। इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि आप इसमें से अंतर भी निकाल सकते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में, आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। और हम इसको नेक्स्ट अध्याय में जो है या फिर नेक्स्ट पार्ट में हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो छठा क्वेश्चन ये देखेंगे कि क्या है। तो छठा क्वेश्चन इसमें कहा था कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो, कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? तो ये सारे चीज को जो है हम अभी अधिक कर लेते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ मिट गया है, आप थोड़ा देर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।